धर्म इंसान का बनाया हुआ एक विश्वास है और इस विश्वास को ना हम किसी के ऊपर थोप सकते हैं और ना ही अपने विश्वास के लिए किसी के विश्वास को छोटा कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जो धर्म पर आपको प्रवचन दूं, पर हाँ एक जिज्ञासा रखने वाला, एक क्यूरियोसिटी रखने वाला इंसान हूँ जो इतना समझता हूँ कि धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ में हमें इंसानियत के खिलाफ नहीं सिखाया जाता। मैं इस वीडियो को इस वक्त हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में चल रहे एक विवाद के चलते बना रहा हूँ। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर हमारे राज्य के बाहर से हैं तो उन्हें बता दूँ, हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है। यहाँ 26 ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं और 100 से भी अधिक सब ट्राइब्स रहते हैं और हमने कम्युनिकेशन के लिए हिंदी को अपनाया है। हमारे यहाँ अभी तक अपनी कोई इंडिजीनियस बोली या भाषा नहीं है जिसे हम लिंगुआ फ्रांका के तौर पर कॉमनली यूज कर सकें। ऐसा क्यों? हिंदी हमारे राज्य की भाषा कैसे बनी, ये सारी बातें मैंने अपने 47th एपिसोड में विस्तार से बताया है। वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा था, अरुणाचल प्रदेश में कुछ अरसे से एक विवाद चल रहा है और वो विवाद है धर्म और संस्कृति को लेकर। 2011 के सेंसस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियंस 30.2%, हिंदुइज्म 29.4%, बुद्धिज्म 11.7%, इस्लाम 1.9%, सिखिज्म और जैनिज्म 0.1% ईच, और यहाँ का अपना इंडिजिनियस फेथ बिलीवर्स, खास करके जो दोनी पोलो यानी सन एंड मून गॉड को पूजते हैं, वो 26.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब देखिए, बुद्धिज्म क्योंकि खास करके ईस्टर्न अरुणाचल की सभ्यता का एक अटूट हिस्सा है, इसीलिए बौद्ध धर्म को हम इंडिजिनियस मान सकते हैं। इसमें आपकी नजरिया अलग हो सकती है, मैं इस पर कोई थोप नहीं रहा हूं, एंड आई लीव दिस इश्यू टू योर विजडम, टू योर डिस्क्रिप्शन। अब मेरे अनुसार दोनी पोलोइज्म और बौद्ध धर्म को छोड़कर इनमें से कोई भी धर्म इंडिजीनियस नहीं है, एस्पेशली विद रेस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश और यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर। अब लेकिन राष्ट्रीयता को लेकर कहिए या जीवनशैली को लेकर कहिए, दोनी पोलो और हिंदू धर्म एक ना सही पर कई जगह मेल खाते हैं और इसी कारण इंडिजीनियस फेथ बिलीवर्स को हिंदू कल्चर को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं है। हालांकि ग्रंथों और बाकी धार्मिक उपलब्धियों में दोनी पोलो का हिंदू धर्म से कोई मेल नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, पर क्योंकि अरुणाचल भी भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है इसलिए शायद हिंदू धर्म में इन्हें कोई झिझक भी नहीं है। बट अगेन, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दोनी पोलो हिंदू धर्म से अलग है, खास करके खान पान में। ट्राइबल बिलीफ में खान पान में कोई रोक टोक नहीं है, इससे अलग दोनी पोलो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन्हें या किसी ना किसी कारण से लोग अपनाते हैं। मेरे बड़े भाई अनुकूल ठाकुर के खुद बहुत बड़े भक्त हैं, वे लहसुन प्याज तक नहीं खाते, मुझे भी अक्सर नॉनवेज छोड़ने को कहते रहते हैं, पर मुझसे अभी बहुत जल्दी नहीं होगा, कम से कम कुछ साल और लगेगा। खैर, अब इंडिजीनियस बिलीवर्स यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि अपनी परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की भी रक्षा करने का दावा करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि इन्हें लगता है कि क्रिश्चियनिटी इनकी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा हमला है, इसलिए खास करके इनके खिलाफ बहुत सारी मुहिम चल रही है, ऐसा आभास होता है। यहाँ क्रिश्चियंस का कहना है कि हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के चलते वे अपने धर्म को और विश्वास को कायम रख सकते हैं और वे कॉन्स्टिट्यूशनली गलत भी नहीं है, सही है, पर यह फर्क क्यों, ये विवाद क्यों? इस पर बात करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भाई मैं तो एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरी स्कूलिंग एक कैथोलिक स्कूल में हुई है और मैं एक ऐसे घर और समाज से जुड़ा हुआ हूं जहां इंडिजीनियस सिटी को बहुत गंभीरता से ले जाती है, इसीलिए द बाइबल का भी मुझे अच्छा खासा ज्ञान है और इंडिजिनियस फेथ का भी मैं अच्छा नॉलेज रखता हूँ। मैं तो ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस सब मनाता हूँ, हर फेस्टिवल मेरा है, तो मैं जो भी बात आगे कहूँगा वो किसी भी रिलीजन या पर्सनल लेवल से किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड बिल्कुल नहीं है, ये सारी बातें मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, धर्म इंसान का बनाया हुआ एक विश्वास है। आज तक ऐसा कोई नहीं आया, कम से कम मैंने तो नहीं देखा कि वो भगवान से मिलकर आया हो या इनके तरह भगवान से बात कर सकते हो,
पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान की मौजूदगी पर शक करता हूं। आई बिलीव इन गॉड। लेकिन जीवन के इतने सफर तक इतना तो समझ गया हूं कि भगवान इंसान की भलाई के लिए होते हैं, इंसान के खिलाफ नहीं होते। धर्म, भगवान, विश्वास एक आस है, एक हिम्मत है जो बुरे वक्त में हमें लड़ने की ताकत देता है। यह एक मंत्र है जो हमें उम्मीद जगाए रखता है। इस आस को, इस हिम्मत को, इस मंत्र को हमने खुद अपने तरीके से बांटा है और नतीजा आज पूरी दुनिया धर्मों में बट गई है। यूं तो कहने वाले कहेंगे ये क्या हमें धर्म के बारे बताएगा, ये भी 100% सच है। मैं कोई फादरी या पंडित तो हूं नहीं, लेकिन मैं इस बात के साथ इस बात को आगे ले जाऊंगा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर इंसान से मोहब्बत करेंगे, इंसान ही क्यों जानवरों से भी मोहब्बत करेंगे, तो हम उस परवरदिगार की इबादत करेंगे जिन्होंने इन्हें बनाया। द बाइबल में लिखा है ना, व्हाटसोएवर यू डू टू द लीस्ट ऑफ माय पीपल दैट यू डू अनटू मी। किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि अपने धर्म को बचाए रखने के लिए हमें दूसरों को खत्म करना होगा, दूसरे के धर्मों पर हमला करना होगा? हर धर्म प्यार और मोहब्बत की बातें करता है, फिर नफरत कहां से आ जाती है? मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म के नाम पर नफरत वो फैलाते हैं जिन्हें धर्म अभी तक समझ में नहीं आया। धर्म के नाम पर लड़ने वाले अपने ईगो फुलफिल करते हैं, असल में भगवान से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। खैर, पर अरुणाचल का मामला इन सब से थोड़ा हटकर है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को यह अप्रहेंशन है कि उनकी संस्कृति और परंपरा को कृष्ण नीति से खास करके बहुत बड़ा खतरा है। और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कृष्ण नीति के चलते अपनी परंपरा, अपने रिवाज को खो दिए हैं। अब किसी तरह वे अपनी खोई रिवाज और परंपरा को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो काफी देर हो चुकी है। उन्हें खुद अपने पूर्वजों के रीति रिवाज का इल्म ही नहीं है, संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन लगभग खो ही गई है। बट लेट्स बी होपफुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वे अपनी पहचान को ढूंढ लेंगे। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हम भारत में रहते हैं जो पूरे विश्व में अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए प्रसिद्ध हैं। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री और हम सबको ऐसा पता है, और संविधान हर किसी को इस कारण कोई भी धर्म अपनाने की इजाजत देता है। कॉन्स्टिट्यूशनली उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। चलिए यहां तक तो ठीक है। आप मुझे एक बात, बहुत आम बात बताइए कि आप अपने तालाब यानी पोंड को छोड़कर पड़ोस के तालाब में नहाने क्यों जाएंगे? या तो आपके तालाब में पानी नहीं है, या फिर आपका तालाब इतना गंदा हो गया कि आप उसमें नहा ही नहीं सकते, राइट? दोनों ही सूरत में गलती पड़ोस के तालाब की नहीं है, बल्कि आपके तालाब की है। या यूं कहिए, गलती आपकी है। अब अपने तालाब में नहाने के लिए हमें यहां पानी भरने होंगे और इसे साफ भी रखना होगा। फिर तो आप और आपका पूरा परिवार, हम और हमारा पूरा परिवार आराम से अपने तालाब में नहा सकते हैं। हमारा ट्राइबल समाज अभी भी कई बंदिशों और रिवाजों से जकड़े हुए हैं, जो समाज को गंदा कर रहा है, गंदा करता है। इस पर मैंने अपने 55th एपिसोड में एक वीडियो बनाई है, टेब्यूज इन ट्रैवल वर्ल्ड। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही सजेस्टेड वीडियोस में भी मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। अननेसेसरी टेब्यूज, सुपरस्टिशंस, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें तो हैं जो हमारे समाज को बहुत गंदा कर रहा है। किसी को सांप ने काट लिया तो उन्हें फॉर ए पीरियड हम आउटकास्ट कर देते हैं। किसी के घर में आग लग गई तो उन्हें मदद देने के बजाय हम परहेज करते हैं। हालांकि अभी यूथ्स और यंगर जनरेशन और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ब्रॉडर आउटलुक के कारण इन सब चीज़ों में कमी तो आ रही है, पर मुझे पता चला है मेरी ही जगह में, गांव में, मेरी ही जगह के गांव में हाल में उन्होंने मीटिंग करिए डिसाइड किया है कि अगर किसी के घर पर, किसी के घर में आकस्मिक मृत्यु, अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उस परिवार के, उस खानदान के लोगों को छोड़कर बाकी गांव के लोग उस घर से परहेज करेंगे। रियली? आज भी? इसके अलावा कुछ समय पहले तक हमारे समाज से बीमार या हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए भी कोई ज़्यादा मदद नहीं आती थी, लेकिन अभी क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के चलते लोगों को काफ़ी मदद इन ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, इन समाज से मिल रही है, और ये डेवलपमेंट काफ़ी रिसेंट है। ऑन दी अदर हैंड, अब क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू द नीडी, सिक एंड लाइक्स। वो अभी से नहीं, बहुत पहले से है।
बीमारों के लिए प्रार्थना कर देना, अटेम्प्ट फाइनेंशियली हेल्प करना, ये बहुत पहले से क्रिश्चियन कम्युनिटी करती आ रही है। मे बी बिकॉज ऑफ द मिशनरीज एंड देयर टीचिंग, उनके कारण कारण जो भी हो, यह प्रैक्टिस उनके बहुत पहले से चलती आ रही है। इसलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस बीमारी के चलते हमारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन किया है। कई बीमारियों के मिरेकुलसली ठीक होने के दावे भी किए गए हैं और इस धर्म ने कई जगह सच कहें तो वायलेंस भी कम करवाया है। लोगों ने पीना छोड़ दिया तो झगड़े भी छूट गए। इस तरह से कई जगह वायलेंस बहुत हद तक कम हुई है। इस रिलीजन की इन अच्छाइयों को देखकर अरुणाचल के कई लोगों ने इस रिलीजन को ज्वाइन किया। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज ने, अगर हम सच में अगर देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने अरुणाचल के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में बहुत साथ दिया है। यह धर्म उस वक्त लोगों का सहारा बना जब लोगों के पास धर्म और आस्था के नाम पर कुछ नहीं था। इसीलिए इस धर्म ने दूर दराज के क्षेत्रों में अपने को स्थापित किया है। जब यहाँ के मतलब अरुणाचल के लोगों को यह आभास होने लगा कि उनके पारंपरिक रिवाजों में लोगों की भागीदारी कम होने लगी है और साथ ही एजुकेशन के चलते कल्चरल प्रिजर्वेशन के इम्पोर्टेंस को समझने लगे तो लोग जागरूक होते गए और धीरे धीरे इस सोच ने एक मुहिम का रूप लिया। पड़ोसी राज्यों की दशा को देखकर ये और ज़्यादा सतर्क होने लगे, दोईपोलो बिलीवर्स के लिए प्रेयर प्लेसेस बनाने लगे। फिर जैसे कि गांग नेदरनामलो जैसे जो दोईपोलो मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण होता गया और लोग वहाँ जाते गए। वैसे इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को जीवन देने में गोलगुबत तालोम रुकबो का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी अगले एपिसोड उन्हीं पर आधारित है, उस एपिसोड को भी जरूर देखिएगा। खैर, इन्हीं फैक्टर्स के चलते ना चाहते हुए भी दोईपोलोइज्म और क्रिश्चियनिटी आमने सामने आ गए। दोईपोलो या इंडिजिनियस फेथ बिलीवर्स ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी संस्कृति पर एक हमला है और क्रिश्चियंस भारत के सेक्युलरिज्म पर निर्भर हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर कुछ कमी है तो वो है समझ की, और इसी अप्रहेंशन की वजह से ही ये जो मामला है ये आग पकड़ती दिख रही है। मेरा ऐसा मानना है, अगर हम अपने अपने काम अपनी अपनी जगह रहकर सही तरीके से करें बिना किसी को उंगली किए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर एक दूसरे को चैलेंज करके या बुरा भला कहके हम दरअसल हालात को बद से बदतर कर रहे हैं। चैलेंज सही तो रामायण और महाभारत के युद्ध हुए थे, चैलेंज सही तो रशिया यूक्रेन के हालात हैं। सच कहूं तो चैलेंज का सिर्फ एक ही काम है, सिचुएशन को बिगाड़ना, इसे और बुरा करना, बद से बदतर करना, और कुछ नहीं। और अगर हमें लगता है कि चैलेंज करके या किसी को हरा कर हम अपने भगवान की रक्षा कर सकते हैं तो इस पर पीके मूवी का यह डायलॉग मुझे बहुत सही लगता है। और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा, जौनी सारा जहान बनाया, उनको तो हर रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। हम जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हमें यह ख्याल रखना होगा कि हमारी बातें अच्छे और बुरे दोनों तरीके से असर कर सकती हैं। और इसलिए मैं खास करके यूथ से यह अपील करता हूं कि वे इन सब बातों से एकदम दूर रहें। आप समाज के कल हो, अपने आप को स्ट्रांग, क्लियर और कॉन्फिडेंट बना के रखिए। बी अ यूनाइटिंग फोर्स, नॉट अ डिविसिव वन। समाज को जोड़ने में साथ दीजिएगा, इसे बांटने में नहीं। हम एक लिटरेट, एजुकेटेड और सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। और अगर मैं आज के समय किसी से यह कहकर लड़ता हूं कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है तो लानत है मुझे मेरी एजुकेशन पर, लानत है मुझे मेरी विजडम पर, लानत है मुझे मेरे नॉलेज पर। मैं एक इंसान हूं, मुझे किसी भी धर्म का मोहर नहीं लगा है। ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहां लग रहा है? कौन सा थप्पा? अरे धर्म वाली मोहरिया, ये कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान थप्पा कहां लगाता है भाई? पर हाँ, भगवान पर विश्वास है मुझे। किसी भी मुश्किल घड़ी में दोईपोलो को याद करता हूँ, रोजरी रिसाइट करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ। मैं शायद बहुत छोटा हूँ ये सारी बातें कहने को, पर यकीनन मैंने कोई गलत बात भी नहीं कही है। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति, परंपरा और रिवाजों की रक्षा करने की जिम्मेदारी समाज के सिर्फ एक हिस्से की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। इस आस के साथ कि इस वीडियो ने आप तक एक सकारात्मक पॉजिटिव व्यूज पहुंचाई है, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते एक बात कहें,
हम बिना धर्म के ठीक थे। जय हिंद।